दोस्तों 12 जुलाई दिन सोमवार और आप मेरे सामने देख रहे हैं हर की पौड़ी का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य। आप गंगे माँ के दर्शन करें, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर की पौड़ी की ताज़ा तस्वीर, ये देखिए। और आपको ले चलते हैं आगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का ताज़ा दृश्य ही देखिए आप। और आज श्रद्धालुओं की संख्या और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगातार दो दिन से पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो आप देख सकते हैं गंगा जल मटमैला है, काफ़ी मिट्टी है, ये देखिए आप। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा की कोई अपडेट नहीं आई है, नई अपडेट। ये देखिए आप, आज की ताज़ा तस्वीर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो आप अपने साथ आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर बना के लाएं और हर की पौड़ी क्षेत्र पे आप मास्क का प्रयोग करें। आप देख सकते हैं आज की ताज़ा तस्वीर है, ये देखिए आप। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कांवड़ यात्रा होगी, तो मैं आपको बता दूं कि अभी अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है कांवड़ यात्रा पर, कांवड़ यात्रा को कैसे कराया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 15 दिन में जो श्रावण मास से जो 15 दिन होते हैं जो शिव भक्त और कांवड़ियों के होते हैं, तो उसमें 3 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार पहुँचते हैं। तो कांवड़ियों के लिए व्यवस्था कैसे रूट बनाई जाए, उनके लिए कैसे उनकी व्यवस्था की जाए, अभी इस पर समीक्षा चल रही है। तो जैसे ही कुछ नई अपडेट आएगी तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। और आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का ताज़ा दृश्य, ये देखिए आप, श्रद्धालुओं की संख्या आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, और आपको ले चलते हैं आगे ब्रह्मकुंड की तरफ, गंगा स्नान के लिए आए हुए श्रद्धालु, ये देखिए आप। आपको ले चलते हैं आगे, दिखाते हैं हर की पौड़ी का सुंदर नज़ारा, देखिए आप यहाँ के सुंदर दृश्य। और दोस्तों समय हुआ है 12 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप हर की पौड़ी क्षेत्र पर विशेष सफाई का ध्यान रखें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कांवड़ यात्रा करवाना किसी चुनौतियों से कम नहीं है, क्योंकि 3 करोड़ कांवड़िया बहुत होते हैं 15 दिन में। पैदल कांवड़े अलग होते हैं, डाक कांवड़े अलग होते हैं, और जो लोग डीजे लगा के आते हैं उनके लिए भी, अपने जो ट्रकों में आते हैं, अपने जो गाड़ियों में आते हैं, इस चुनौती को करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कांवड़ यात्रा को करवाना। अब देखते हैं आगे राज्य सरकार क्या फैसला लेती है कांवड़ यात्रा पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी अधिकारियों द्वारा सुनने में आया था कि कांवड़ यात्रा अगर होती है तो कांवड़ यात्रा पे कांवड़ियों की समीक्षा की जाएगी,
किस पे एक टीका लगा है, किस पे दो टीके लगे हुए हैं। शायद से उन्हें आने दिया जाएगा, उन्हें कांवड़ यात्रा पर आने दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, उसके बाद फिर कोरोना के केस बढ़ते गए और महाकुंभ को डेढ़ महीने में ही ख़त्म कर दिया गया, समापन कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का ताज़ा दृश्य ही देखिए आप। काफ़ी तेज़ फ्लो है गंगा जल का आज, ये देखिए आप, और जल में काफ़ी मिट्टी है। ये नाई घाट का नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये देखिए आप।